नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR SSC को यूट्यूब चैनल। मैं हूं काशिंग रावत प्रसाद। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। 10th पास 12th पास और स्नातक पास छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्रवृत्ति के रूप में कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाता है। ये आर्थिक सहयोग इसलिए दिया जाता है ताकि छात्राएं आगे की पढ़ाई कर सके। तो कहीं ना कहीं उन छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान से जुड़ा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप बिहार एजुकेशन से जुड़ा कोई भी खबर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिहार का कटिहार जिला का ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान से जुड़ा एक खबर है। और आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे आप अपना डिस्ट्रिक्ट गूगल पे सिंपली सर्च कीजिएगा और उसका ऑफिशियल वेबसाइट को खोलिएगा और यहाँ पर आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट रहेगा। और धीरे धीरे से सभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी यहाँ पर आपका वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उन पर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ अपडेट के सबसे ऊपर में ही दिया गया है कन्या उत्थान योजना 2019 और इसका लिंक हम आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराएंगे जहां से बिल्कुल आसानी से आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। तो यहां पे क्या कुछ लिखा गया, 3 जुलाई 2019 एप्लीकेशन कैन सबमिटेड एट और यहां पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। तो सिंपली हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं क्लिक। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिहार का ये कटिहार जिला का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसको नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर लिखेगा कि आपका जो स्टार डेट था वो था आपका 3/7/2019 और जो आपका इन डेट है वो आपका है 31/10/2019। यहाँ पे क्या कुछ है तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2019। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है इस लिंक पे क्लिक जिसको मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर अपडेट बैंक डिटेल्स, यानी कि आप अपना बैंक डिटेल्स यहां पे अपडेट कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 3 जुलाई 2019। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड हैव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, उसके साथ आपका ब्रांच नेम और यहाँ पे IFSC कोड भी होना चाहिए, आधार नंबर आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर फॉर कॉन्टैक्ट के लिए आपके यहाँ पे आपको नेसेसरी है इसमें आपका डिटेल्स फिलअप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल कंसिस्ट फॉर फॉलोइंग सब्सिक्वेंट स्टेप्स। उसके बाद यहाँ बोला गया स्टूडेंट लॉगिन, उसके बाद यहाँ बोला गया अपडेट, उसके बाद ये बोला गया फाइनल आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया गया है, इसके नीचे आपको लिखा क्लिक हेयर टू अप्लाई स्टूडेंट लिस्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट लिस्ट। सिंपली यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से कुछ क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और जितने बिहार के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बताएगा कि कितने सारे स्टूडेंटों ने अपडेट कर लिया अपना बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेटेड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंटों की संख्या है। यहाँ पे अररिया में अगर बात करें तो 8 स्टूडेंटों ने अपडेट कर लिया है, उसके बाद बेगूसराय की बात करें तो 158। इस तरह से यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है तो यहाँ पे 346 स्टूडेंट यहाँ पे कर चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है और इतने सारे स्टूडेंटों को यहाँ पे देना है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिएगा तो अररिया में आपका 4535 है, उसके बाद यहाँ पे आपका है 3253 है। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट को यहाँ पे अप्लाई किए थे उनको मिलेगा वो यहाँ पे दिया गया था, लेकिन उनको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था जिससे आप यहाँ पे सिंपली आप अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर पाओगे। बिहार में देख सकते हैं करीबन 3 लाख से प्लस छात्रों को ये पैसा दिया जाए, छात्राओं को दिया जाएगा, सॉरी, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। पहले ही आपको बता दे रहे हैं, हम आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि छात्राओं के लिए ये राशि दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत। तो ये है बैंक डिटेल्स जिन्होंने अपडेट किया उसको लेकर के। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा सपोज अररिया, तो ये आपका अररिया का वेबसाइट ओपन होकर के यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे फिर आप सिंपली देख सकते हैं कौन कौन सा आपका स्कूल है जिसमें बैंक डिटेल्स इसका अपडेट हुआ है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो अगर आप अररिया डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे फिर यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर +2 BLDH
जो रानीगंज अररिया जो स्कूल है उसमें 18 स्टूडेंट को दिया जाएगा। इसका बैंक डिटेल्स हालांकि यहां पे अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये है, यहां पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कटिहार जिला का, तो यहां पे आप सिंपली इंपॉर्टेंट लिंक पे जाकर क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद यहां पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जब आपने अप्लाई किया होगा, उसके बाद यहां पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये है यहां पे जो आपको दिख रहा होगा कैप्चा कोड, इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका एक आगे प्रोसेस आएगा, फिर आप उसको फॉलो करके फिर आप इसको आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेशली इस वीडियो को बनाने का मेरा एम क्या था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज वेबसाइट खोलें और वहाँ पे अगर आपको अपडेट का ऑप्शन दे रहा है तो आप भी अपडेट कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने सारे छात्रों को यहाँ पे मिलना है राशि डिस्ट्रिक्ट वाइज है। यहाँ पे आप मैंने पहले ही दिखाया, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होता होगा आप वहाँ पे जा करके आपने देखिएगा, आपको पता चल पाएगा। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्लिक करिए, सपोज दैट यहाँ पे गया डिस्ट्रिक्ट है तो गया डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो जितने भी यहाँ पे आपका कॉलेज और स्कूल है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद कितने कौन से कॉलेज से कितने छात्रों को देना है पैसा उसको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपना यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपको कर लेना है। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने कॉलेज से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, आप अपने स्कूल से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके। अगर आपने अप्लाई नहीं किया था, अगर आपका डेट बचा हुआ होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर आप अपना अप्लाई कर लीजिएगा, आप सभी को पैसा मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जितने भी छात्राएँ हैं उनको ये लाभ मिल पाए और उनका जो आगे का पढ़ाई हो उनमें कुछ यहाँ पर आर्थिक सहयोग भी हो पाए, जो सरकार की योजना चलती है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान से जुड़ा खबर था। इसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना बैंक डिटेल्स जरूर अपडेट कीजिए जितनी जल्दी हो सके, अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके। तो यहाँ पे हमने दिखाया आपको कटिहार जिला का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना या फिर बिहार के एजुकेशन से जुड़ा कोई भी खबर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।